मंत्रालय में विधायक धरने दे रहे थे, मराठा आरक्षण के साथ साथ विदेश सत्र की मांग कर रहे थे, आप लोगों की तरफ से भी सांकेतिक एक? अरे ये हमारी तरफ से नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। और महाराष्ट्र के जो सत्ता में जो आमदार ये सांसद है सब वो बैठे हैं, तो इसका क्या है? नो कॉन्फिडेंस है। जो सत्ता के जो है सारे विधायक मुख्यमंत्री के पास नहीं गए, वो विधायक गवर्नर हाउस गए। इसका मतलब क्या है कि जो सत्ता में जो है, जो उनके घटक पक्ष है, उनके घटक पक्ष के जो उनके सब विधायक है, उनको सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो गए गवर्नर के यहाँ। और गवर्नर हाउस उनके मुख्यमंत्री 10 मिनट पे चलने के थे, गाड़ी से जाते तो 3 मिनट में सह्याद्री पहुंचे, लेकिन सह्याद्री नहीं गए विधायक, ये गवर्नर हाउस गए। इसका मतलब क्या है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है इस राज्य की सर, ये ट्रिपल इंजन खोके सरकार में। आप लोगों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की थी, देवेंद्र फडणवीस भी गए थे अलग से मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से, तो क्या आश्वासन राज्यपाल की तरफ से दिया गया? राज्यपाल जी ने हमें वक्त दिया, मैं तहे दिल के उनकी आभारी हूँ। उन्होंने पूरी जो हमारी जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उन्होंने सुने, और उन्होंने वायदा किया हमको कि मैं सरकार से जरूर बात करूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं, सभी जो है नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है, आपको लग रहा है इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा? अभी देखते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे एक्सेस नहीं अंदर क्या चल रहा है, जब मीटिंग खत्म होगी तो पता चलेगा। हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ है, तो जब मीटिंग खत्म होगी तब पता चलेगा। सरकार से उम्मीद नहीं रही है अब आपको जिस तरीके के? अरे उनके खुद के विधायकों को नहीं उम्मीद रही है, तो मैं तो विरोधी हूँ, उनके खुद के विधायक प्रेसिडेंट गवर्नर के यहाँ जा रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? उग्र प्रदर्शन जो हो रहे हैं मैम, घर जलाए जा रहे, पूरी जिम्मेदारी इस राज्य की गृह मंत्री की है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, इसकी जिम्मेदारी पूरी देवेंद्र फडणवीस जी की है, वो इस देश के गृह मंत्री है, इस राज्य के गृह मंत्री है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? और उनको दूसरे राज्य में ये प्रचार के लिए जाने के लिए टाइम है, लेकिन खुद के राज्य के लिए वक्त नहीं है इनको, तो बड़े प्रचारक बन जाए, किसी और को गृह मंत्री बना ले। इसीलिए मैं बोल रही हूँ उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा।